आज चौथा नेचुरोपैथी डे पूरा देश में मनाया जा रहा है और हमारे महात्मा गांधी जी और ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो भी नेचुरोपैथी और आयुष में काफ़ी विश्वास रखते थे। तो ये अपना बेसिक प्रकृति से जुड़ा हुआ ये विज्ञान है जिसमें कोई मेडिसिन नहीं यूज दी, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, उसे ट्रीटमेंट और मेडिसिन की जो साइड इफेक्ट होती है उसे हम बच के नेचर की ओर आए। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, इसलिए नेचुरोपैथी बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए हमारे डिपार्टमेंट की ओर से जो कुछ होगा वो पॉसिबल सब कुछ हम करेंगे। वही प्रश्न है सर, आप एक युवा सांसद हैं और किस तरह से इस आयुर्वेद को देखते हैं, क्योंकि आज के डेट में देखा जाता है कि आयुर्वेद को काफ़ी कम तवज्जो दी जाती थी पहले, देखिए नेचुरोपैथी मैं ये कहता हूँ कि ये एक इलाज पद्धति नहीं है कि हम बीमार पड़े ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम जो है बीमार आने से पहले अपने आप को ठीक रखें, ये ऐसी एक पद्धति है और महात्मा गांधी जी स्वयं इस चीज़ को वो जीते थे और बहुत बड़े नेचुरोपैथी के भगत थे और मोदी जी भी नेचुरोपैथी और योग को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। हम सब जानते हैं आज इस कोरोना काल के समय में दुनिया में बहुत तेज़ी से परिस्थितियां बदली है, लोग नेचर की तरफ दौड़ रहे हैं, योग को अपना रहे हैं, ऑर्गेनिक खान पान की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। सो जो प्रकृति का जो शोषण हुआ है कहीं ना कहीं ये सब बीमारियों का बहुत बड़ा कारण वो भी है, और हम प्रकृति के साथ जितना जुड़े रहेंगे इस तरह की बीमारियों से भी बचे रहेंगे। और बड़ा भव्य कार्यक्रम था ये, चौथा नेचुरोपैथी डे दिवस आज मनाया गया, देश भर में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और एक दार्जिलिंग जैसे संसदीय क्षेत्र से आकर के ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है।